हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है जॉयस्टिक प्रॉब्लम। जो हम लोग की जो जॉयस्टिक होती है ना गेम खेलते टाइम, वो अटक जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो अटकती है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल वीडियो है, उसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर अटक रही है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है, हम लोग की जॉयस्टिक जो है अपने आप यहाँ पे डिस्टर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है खेलने में। ठीक है, एंड हम लोग मूवमेंट करते टाइम बीच में जॉयस्टिक जो हम लोग की इधर उधर अटक जाती है, एंड करेक्टर अपने आप लगता है मूव करने। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे फिर हो रही है। ठीक है, तो इसी के प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एंड पूरा सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ये प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग टेंशन ना ले, ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगा, एंड वो लोग कीबोर्ड एंड माउस से बहुत ही अच्छी तरीके से खेल पाएंगे। तो गाइस अगर आपको इस तरीके का वीडियो आगे भी चाहिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, एंड 10,000 की फैमिली जल्दी से कंप्लीट करा दो। एंड वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो जॉयस्टिक वाली प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लोगों को एराइज होती है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे भी यहाँ पे देख रहा हूँ एराइज हो रही है, तो इसका रीज़न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो गया है। तो उसको आपको सही करना है, सेटिंग में सही करना है। सेटिंग में सही करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, कंट्रोल में जाना है, कस्टम हब में जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीसेट 2 पे ये सारी सेटिंग करनी है जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीसेट 1 पे मान लो अपना हैंड वाला सेटिंग है, इसलिए सारी सेटिंग आपको प्रीसेट 2 पे करनी है। ठीक है, तो करना क्या आपको, इसमें आप जितने भी राइट साइड में आपको बटन दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे स्कोप वाला बटन हो गया, जंप बटन हो गया, स्क्राउच बटन हो गया, ठीक है, ये सारे आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। देखो किस तरीके से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे ये सारे बटन है, ठीक है, वो राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देने हैं। ठीक है, एंड आपको राइट साइड में जो है एक छोटी सी और सेटिंग करनी है, वो बताता क्या करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कोप वाला बटन हो गया, ये सारे बटन हो गए, आपको जो है यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो सेम जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वैसे शिफ्ट आप लोग भी कर लेना। अब ये सारा शिफ्ट करने के बाद अपना जो ये गन वाला बटन है ना, मतलब गन वाला जो ये बॉक्स है, उसको आपको नीचे लाना है। ठीक है, नीचे लाने के बाद यहाँ पे आपको सारी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे पांडा माउस प्रो में जाके जो भी इसका बटन है 1 2 3, ये सारा ला के आपको इसी में रख लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपका जो मेन काम होता है, जो ये बटन जो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आपका होता है शूटिंग मोड। ठीक है, जो आपका शूटिंग बटन होता है, वही ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो बटन है आपको, वो आपको यहाँ पे ला कर रख देना, जहाँ पे मैं रखा हूँ। ठीक है, सेम पोजीशन पे आपको रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको जो है ये जो प्रॉब्लम है, ये टोटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, जो ये शूटिंग बटन है, ठीक है, शूटिंग बटन को आपको यहाँ पे रखना है, इसके लिए ये जगह छोड़ देना है। ठीक है, बाकी सारा बटन वहाँ से हटा देना है। ठीक है, बाकी सारा राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, एंड ये जो शूटिंग बटन है, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये जो शूटिंग बटन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप यहाँ पे रखोगे ना, ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा साइड में, ठीक है, बीच में यहाँ पे रखना है। ठीक है, जहाँ पे गन बन रहती है, ठीक है, उसके बाद सेव कर देना। अब मैं चलता हूँ अपने गेम के अंदर ट्रेनिंग मोड में, एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, एंड यहाँ पे ज़रा सा भी जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर इसके बाद भी आपका दिक्कत होता है, वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है, तो आप लोग थोड़ा ये जो बॉक्स है ना गन वाली, इसको थोड़ा और नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो एकदम बहुत ही आसानी से खेल रहा हूँ। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे देखो थोड़ा सा भी जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, दौड़ रहा इधर उधर जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो आपको इस तरीके से ये जो जॉयस्टिक वाला प्रॉब्लम है ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आगे मैंने कुछ क्लिप्स भी ऐड किए हैं ट्रेनिंग ग्राउंड का, तो उसे ज़रूर देखना। ठीक है, एंड वहाँ पर भी देखना, जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक नहीं करे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली इंटरेस्टिंग इस चैनल।